ये हैं रफ़ीउद्दीन। आज इधर ओवरसीज़ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उसने शटरिंग कारपेंटर की हैसियत से टेस्ट देना है। तो अभी सबसे पहले उसने अमूद बनाना है और इसका साल करना, लेवल करना वगैरह वगैरह कंप्लीट करना है। तो अभी ये काम में मसरूफ है, अपना पिलर बनाया है उसने। मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ और इससे कुछ सवालात करूँगा इसके बारे में। अच्छा रफ़ीउद्दीन, ये बताइए कि आपने जो अमूद बनाया, अब मान लो पूरे तख्ते जो आपने लगाए, ये इसका साइज़ जो है 1 फिट है, 1 फुट, हाँ, जिसकी मोटाई 1 इंच है, 1 इंच, हाँ, सही है जी। आपने ये पिलर बनाया तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जब हम इसे ये कालब हटा दें तो इसके अंदर जो पिलर बन जाएगा उसका साइज़ क्या होगा? इसका साइज होगा एक तरफ में 1 फुट होगा जी, दूसरा तरफ में 10 इंच। बिल्कुल ठीक, ठीक। अच्छा रफ़ीउद्दीन, ये बताइए, आपने ये अमूद बना लिया, अब इसके साल करने का क्या तरीक़ा है आपके ख़्याल में? हमारा ख्याल में ये तरीक़ा है जो हम पिता मीटर लगा के, हाँ, जब वो ऊपर 2 इंच होएगा तो नीचे भी 2 इंच होएगा, चाहिए 2 इंच भी, 2 इंच चाहिए, हाँ, ठीक है, चारों सेडों में, हाँ, ऐसा होना चाहिए, सही, ठीक, ठीक है। तो अगर मान लो ये 2 इंच है, हाँ, और नीचे 3 इंच स्पेस है जी सर, तो ये हम किस तरह ठीक कर लेंगे? ये इस तरह ठीक करना है, जो बैक साइड से कोई पैकिंग देना चाहिए, पैकिंग देगी तो इधर भी बराबर होएगा, उधर भी बराबर होएगा, ठीक, हाँ, ठीक है। तो आपने ये फिलर बनाया और इसके लेवल का तरीक़ा भी आपने बताया, चलो इंशाल्लाह ये फिलर का तो काम मुकम्मल हो गया। रफ़ीउद्दीन साहब, अमूद मुकम्मल करने के बाद अब आपने फाउंडेशन बनाना है जो 5 फुट लंबा हो और 4 फुट चौड़ा, फाउंडेशन बनाना है 5 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा, सही है। चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा रफ़ीउल्लाह भाई, आपने फाउंडेशन मुकम्मल कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा फाउंडेशन बनाओ जो एक तरफ, यानी इसकी लंबाई 5 फुट हो और चौड़ाई 4 फुट हो। आपने अब मुझे ये दिखाना है कि ये किस तरह बनाया आपने। ये सर एक तरफ 5 फुट हो, मैं चेक कर लूँ पहले, 5 फुट ये मैं देख लूँ, ये